गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 एक्सरसाइज 6.2 सम नंबर फर्स्ट। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर, हमें क्या करना है, यानी नंबर लाइन को क्या करना है, राइट करना है। यानी इसमें क्या है, 7 मोर देन 2, यानी नंबर लाइन है जो, इसमें हम क्या करना है, 7 मोर देन 2, अगर 2 में हम 7 को ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, 9। इस 9 को हमें किस में शो करना है, नंबर लाइन में। नंबर लाइन में शो करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितनी चीज के हैं, यानी प्लस के पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 7। यानी हमारे पास में क्या है, 2, 2 में क्या है, ये 2 नंबर है, इसमें हमें कितना ऐड करना है, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी तो क्या आएगा, 9। अब सेकंड सम में क्या है, 2 मोर देन -4, हमें क्या करना है, यानी ये हमारे पास कितनी चीज के हैं, यानी इधर नेगेटिव इंटीजर 2, 3, 4, 5, इसने क्या पूछा है, 2 मोर देन -4, -4 में 2 को हम क्या कर देंगे, मोर में ऐड कर देंगे, और हम क्या करते हैं, अरे -4 में से +2 माइनस करेंगे क्या आएगा, -2। हमारे पास क्या है, -4 में हमें 2 ऐड करने पर 1 और 2, तो हमारे पास में वैल्यू क्या है, -2। अब इसी प्रकार से में 6 less than 9, यानी 6 less than 9, यानी 6 में से 6 लेस देन करना है, यानी हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमें क्या करना है, यानी लेस देन 9, यानी लेस देन हमारे पास में क्या है, 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी माइनस करने पर 9 में से 6 माइनस करने पर क्या आया, 3। सेकंड सम में क्या है, यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर, हमें क्या करना है, नंबर लाइन का यूज करना है, उसमें इंटीजर को क्या करना है, ऐड करना है। हमारे पास में क्या है, प्लस के 7 प्लस माइनस के 2, तो हम इसमें करेंगे 7 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, 5। अब 5 को हमें इस चीज में शो करना है, नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। सेकेंड 4 प्लस माइनस 15, यानी 4 प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या आया, माइनस के 11, यानी 15 में से 4 को माइनस के क्या आया, 11। तो यहाँ पे हम किस चीज में शो कर देंगे, यानी माइनस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, माइनस के 11, कहाँ पे शो हुआ, यहाँ पे। अब सी में हम क्या कर रहे हैं, -3 प्लस -6, -3 प्लस -, तो माइनस क्या आया, 9। अब हम कहाँ पे शो कर देंगे, माइनस के 9 की जगह, यानी -9 की जगह हम क्या कर देंगे, यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको शो कर देंगे। थर्ड सम में क्या है, ऐड द विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, हमें ऐड करना है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन के हमें क्या नहीं करनी, यानी यूज नहीं करना, ऐड करेंगे, यानी 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 7 आंसर। सेकेंड यानी बी सम में क्या है, -15 प्लस 27 -15 प्लस 27 में से माइनस के 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 7 में से 5 2, 2 में से 1 1। इसी प्रकार से सम -23 प्लस 14
यानी -23 + 14 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यानी 23 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9। फाइंड द सम, इस सम को हमें क्या करना है, सम करना है, सम में को हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, यानी माइनस प्लस के हमारे पास में क्या 151 एंड माइनस में क्या 321। तो ऐड करते हैं यानी 151 प्लस माइनस 321। तो 151 प्लस माइनस माइनस 321 में से इसको आप अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 0 12 में से 5 7 2 में से 1 1। तो माइनस का हमारे पास में क्या आया 170। अब सी सम में क्या करते हैं, माइनस के 250 प्लस 50 प्लस 325। इसमें से हमने माइनस किया यानी पहले हम प्लस कर लेते हैं, प्लस प्लस वाला प्लस कर लेते हैं, 325 प्लस 50 ये उनकी चीज क्या है माइनस का, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास में क्या आया 375 माइनस 250। तो करेंगे तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 7 से 5 2 3 से 2 1। डी सम में क्या है, -40 प्लस -100 प्लस 500। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस के 140 प्लस के 500 में से माइनस के 140 को माइनस कर दें, 0 5 10 में से 4 6 4 में से 1 3 यानी आंसर क्या आया 360। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।